व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमन्द्रितात् सत्यमुपैमि। ॐ असितो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय सिबर्हिषि ॐ पावकानः सरस्वती वाजिभिर्वाजिनेवती यज्ञं वष्टु धिया वसु ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परब्रह्म परम पिता परमात्मा और परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमन वंदन प्रणाम करते हुए आज ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकालीन इस कक्षा का हम प्रारंभ करते हैं। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम है। आज भारत नहीं, मैं तो ये कहूँगी पूरी धरती माता के लिए ही एक बहुत विशेष दिन है, बहुत स्पेशल दिन है आज, क्योंकि इतने लंबे संघर्ष के बाद आज केवल एक मंदिर का ही उद्घाटन नहीं होने जा रहा, केवल
एक मूर्ति में ही प्राण प्रतिष्ठा का समारोह नहीं होने जा रहा है, बल्कि ये समूची मानवता के लिए एक नींव रखी जा रही है। हम सब मनुष्यों का, केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, लगता है कि अभी समय करवट ले रहा है। और जैसा हम हर बार ऐसे बोलते हैं कि इसको कलयुग नहीं, आने वाले समय में योग युग कहा जाएगा, तो उस योग युग का सबके हृदयों में आज उद्घाटन होने जा रहा है। श्री राम का इतना उन्नत चरित्र, माता सीता का, माता कौशल्या का, और उनके साथ साथ सभी माताओं का, तीनों बहनों का, श्रुतकीर्ति, मांडवी, उर्मिला, लक्ष्मण, श्री भरत जी, शत्रुघ्न, महाराज दशरथ, पूरा का पूरा परिवार ही जीवन के उन ऊंचे मूल्यों में जीते थे। हम तो पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, और वे लोग तो उनको जीते थे। तो इसलिए आज लाखों वर्षों के बाद भी वो समूची मानवता को प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। उनके नाम स्मरण करने मात्र से भी, कल विभिन्न टीवी चैनल्स के ऊपर, न्यूज चैनल्स के ऊपर आप सभी ने देखा होगा, और आप सब की इच्छा हो रही होगी कि काश हम भी वहाँ होते, और मन से तो हम वहीं पर ही थे। आज भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उस दृश्य को इतने साधु संतों के सदियों के तप को, और श्री राम के लिए, मानवता की स्थापना के लिए जिन वीर वीरांगनाओं ने शहादत दी, उनकी शहादत को नमन करने का आज दिन है। कितना अच्छा लगता है जब किसी को अपनी साधना का साध्य प्राप्त हो जाता है। जिन लोगों ने उस समय उस आंदोलन में भाग लिया था, खास करके मैंने कल देखा पूजा साध्वी दीदी मारितम भरा जी, कैसे उनका चेहरा खिला हुआ था और आनंद के अश्रु उनकी आंखों से आ रही थे, और मैं तो देख रही थी तो मेरी आंखों से भी आ रहे थे। तो कितना अच्छा लगता है जब किसी साधक को अपना साध्य मिल जाता है। तो ऐसे ही हम सबका साध्य, सबके अंदर निवास करने वाला अंतर्यामी श्री राम है। क्योंकि एक राम, उनका भी चरित्र इतना उच्च कोटि का है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, दशरथ नंदन राम है, और एक उन वो राम भी जिस राम की आराधना करते थे, वो परात्पर ब्रह्म राम, एक वो राम है। तो मैंने पहले दिन भी चर्चा शुरू की थी, रमो क्रीड़ायाम धातु से राम बनता है, जो इस संसार को एक क्रीड़ा मात्र में रच देता है वो राम है। उनके लिए तो ये खेल जैसे है, जैसे हम खेल में कुछ खिलौने बनाते हैं, फिर चलते समय उनको मिटा देते हैं, ऐसे भगवान खेल में, क्रीड़ा मात्र में, एक निश्वास मात्र में इस सारी सृष्टि की, लोक लोकांतरों की संकल्प मात्र से रचना कर देते हैं। तो उसका नाम, उस शक्ति का नाम राम है। क्योंकि किसी ने तो देखा नहीं कि किसी ने आकर के हाथ में कोई करनी हथौड़ी लेकर के, और फिर ये पर्वत बनाए होंगे, या नदियां कोई खड्डा खोद के बनाई होंगी, कैसे जल बनाया होगा, कैसे सूर्य चांद बनाए होंगे, कैसे धरती बनाई होगी। एक छोटा सा मकान बनाने के लिए हमें कितना पुरुषार्थ करना होता है, और ईश्वर के तो संकल्प मात्र से ये भरी पूरी सृष्टि बन जाती है, उसी का नाम राम है। और जिससे ये सारी क्रीड़ा हो रही है वो राम है, जिसकी शक्ति से, और जिसके लिए सारी क्रीड़ा हो रही है। क्योंकि ये सारा जगत, जब वेदांत के अद्वैतवाद की बात करते हैं, तो उसके सिवाय और कुछ है ही नहीं जगत में। हम सब नामों में, सब रूपों में, सब आकृतियों में वही अभिव्यक्त हो रहा है। क्योंकि उस
के बिना तो किसी में वो सामर्थ्य ही नहीं है कि कोई इस प्रकार से रचना कर सके, एक श्वास भी ले सके, भिन्न भिन्न आकृतियां, मूर्तियां। तो ये कठोर और फिजिकल जो दिखाई दे रहा है नाम रूप आदि, तो ये तो अभी तो साइंस भी मानती है ये तो 0.1 है, 99% तो हम सब एनर्जी ही हैं। तो जिससे, जिसके लिए, जिस से यदि हम पंचमी विभक्ति में उसका व्याकरण की दृष्टि से निरुक्ति करेंगे तो जीव उसी का ही अंश है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, ऐसे ही उस पर ब्रह्म से ये सारी सृष्टि निकलती है। तो जिससे जिस ये सारी सृष्टि अंश रूप में अलग होती है वो राम है, जिसका अस्तित्व है सृष्टि में वो राम है। और जिसमें ये सब कुछ है, यस्मिन सर्वा क्रीड़ा भवति स रामा। तो हम व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो सातों विभक्तियों में हम इसका निर्वचन कर सकते हैं। आज ऐसे नहीं लग रहा है कि किसी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आज तो ऐसे लग रहा है कि जैसे साक्षात चैतन्य रूप में श्री राम अयोध्या में नहीं, पूरे भारत के हर घर में आ रहे हैं। पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में, सब देशों में, जहां जहां भी भारतीय रहते हैं वो सब आज ऐसे ही आनंदित हैं, उल्लास मना रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। तो ये कितना हमारे लिए देखो परम सौभाग्य की बात है। ये सदियों के बाद आज एक इतिहास रचा जा रहा है और हम उसके साक्षी हैं इस दिन के। क्योंकि कभी कभी ऐसे ऐतिहासिक दिन होते हैं, ऐसे तो हर दिन ही अपने आप में एक स्पेशल है, विशेष है, और साधकों के लिए तो ऐतिहासिक ही होता है। क्योंकि प्रतिदिन वो कुछ ना कुछ छोटी बड़ी कोई ना कोई उपलब्धि करते ही हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जो सारी मानवता के लिए ऐतिहासिक होते हैं। तो ऐसे सबको सोचना चाहिए। कल एक कोई चुटकुला मैं सुन रही थी, किसी ने लिख रखा था, बोले पहले तो जब ऐसे कोई ऐतिहासिक क्षण होते थे जब सभी देवी देवता कोई यज्ञ करते थे, बड़ा कोई कार्यक्रम करते थे, तो सब असुर बिना बुलाए वहां पहुंच जाते थे विघ्न डालने के लिए। लेकिन अभी तो न्योता देने पर भी नहीं आ रहे हैं, तो इससे अच्छे दिन और क्या आएंगे। तो अच्छा लग रहा था कि निर्विघ्न संपन्न हो जाए, तो वास्तव में ये बहुत अच्छी बात है। और देखो जिसको बहुत गहरे में भी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन तो भी उल्लास मना रहे हैं, तो उससे कम से कम हमारे शरीर में हर एक ग्रंथि से पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकल रही हैं, पॉजिटिव केमिकल्स प्रोटीन्स निकल रहे हैं, ये भी तो कितनी अच्छी बात है। कितने लोगों का डिप्रेशन दूर हो जाएगा आज, कम से कम एक दिन के लिए ही सही। क्योंकि ऐसे भाव रखने से ही हमारे न्यूरोट्रांसमीटर नए उत्पन्न हो जाते हैं, नए न्यूरोपाथ बन जाते हैं मन मस्तिष्क में, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आगे जो हम प्रातःकालीन मंत्रों का विचार कर रहे थे, अर्थ के बारे में चिंतन कर रहे थे, उस अपनी कक्षा के ऊपर वापस आते हैं और एक बार उच्चारण भी कर लेते हैं कि सुबह उठ करके श्री राम भी इन्हीं मंत्रों का उच्चारण करते थे, सीता माता भी इन्हीं मंत्रों का उच्चारण करती थी, कौशल्या माता भी इन्हीं मंत्रों का उच्चारण करती थी। और ये अतिशयोक्ति नहीं है क्योंकि वेद तो शाश्वत है और माता कौशल्या स्वयं वेद की ज्ञाता थी, इसलिए उन्होंने ऐसी संतान को प्राप्त किया। और ये सौभाग्य पूरे विश्व में केवल भारत की नारियों को ही प्राप्त हुआ है कि जब वो अपने योग की, तपस्या की, साधना की पराकाष्ठा में पहुंच जाती हैं तो वो साक्षात परब्रह्म को ही अपनी गोद में खिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं।
और उनकी इतनी सच्ची और इतनी ऊंची प्रार्थना होती है कि हर युग में किसी ना किसी रूप में वो परात्पर ब्रह्म उनकी गोद में खेलने के लिए, अवतार लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सौभाग्य भी भारत की भूमि को ही मिला है, जितने भी अवतारी सत्ताएं आई इस पृथ्वी के ऊपर। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, सीखने जैसी बात है। तो कौशल्या माता ऐसे ही वैदिक मंत्रों से अपने दिन की शुरुआत करती थी, प्रातःकालीन मंत्र बोल करके। रामायण में भी वो श्री राम को जगाती भी ऐसे ही थी, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ नरपुंगवः, वो ऐसे नहीं जगाती थी। हम आजकल जैसे माताएं, उठता है कि बताऊं तेरे को, उठता है कि तेरे को चाटा मारूं या डंडा मारूं, ऐसे नहीं जगाती थी। श्लोक उच्चारण करके जगाती थी, बेटा उठो, भोर काल हो गया है, देवी देवताओं का आराधन करने का समय हो गया है। कितना ऊंचा और कितनी उन्नत चेतना रही होगी उस माता के हृदय की, तो इसका भी हमें स्मरण करना चाहिए, क्योंकि हम सब भी उसी माँ की बेटियां हैं, उसी के वंशज हैं, हम सब उन्हीं की संतानें हैं, जिन्होंने जो इस सारे लोक लोकांतरों की रचना करता है, उसकी रचना करने का सौभाग्य किसी भारत की नारी को मिला। तो कितनी बड़ी प्रेरणा है हमारे लिए, और उनकी बेटियां आज हम उस परात्पर ब्रह्म को तो बाद में उसके दर्शन करेंगे, अपने दर्शनों से ही कहीं हम दूर चले गए हैं, तो आज वापस लौटने का भी ये दिन है। भारत की हर नारी में वो संस्कार हैं, वो जीन्स हैं, वो परमाणु हैं, क्योंकि हम उन्हीं की संतानें हैं। वो माता सीता का उन्नत चरित्र, माता कौशल्या का उन्नत चरित्र, जो उठ करके भी वैदिक मंत्रों से अपनी भोर को, अपने ब्रह्म मुहूर्त को प्रारंभ करती थी, रोजाना यज्ञ करती थी माता कौशल्या। जिस दिन श्री राम का राज्याभिषेक होना था और फिर उनको वनवास मिल गया था, जब वो माता से मिलने गए, उस समय भी माता कौशल्या यज्ञ कर रही थी। और जब श्री राम वन में जाने लगे, उस समय भी उन्होंने स्वस्ति वाचन के मंत्रों को बोल करके अपने पुत्र को विदा किया। ये रामायण में हमने पढ़ा, अपने पुत्र के लिए स्वस्ति वाचन करती हैं। रो तो रही थी, दुखी तो थी, ये ठीक है, लेकिन तो भी उन्होंने ऐसे दुख की स्थिति में भी अपने पुत्र के लिए स्वस्ति वाचन किया, स्नान करते समय, भोजन करते समय, क्योंकि वो भोजन फिर अमृत बन जाता है। जब हम मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान करते हैं, वो स्नान केवल बाहर का नहीं होता, अंदर भी स्नान हो जाता है, अंदर भी हम शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। ऐसे ही फिर अपने कर्तव्य कर्म करते हुए भी, उस भगवत नाम का स्मरण करते हुए, उसी का आराधन करते हुए, सिमरन करते हुए अपने सब कार्यों को करते हैं, तो सारे कार्य भी फिर हमारे पूजा बन जाते हैं। और ऐसे ही फिर रात को सब कार्य करने के बाद जब शयन करते हैं, तो भी मंत्र उच्चारण पूर्वक उन दिव्य शक्तियों को प्रणाम करते हुए और अपने मन को उस परात्पर ब्रह्म में लीन करते हुए हम अपने दिन का रात्रि की शुरुआत करते हैं, दिन का अंत करते हैं। ऐसी हमारी वैदिक परंपरा, ऐसी वैदिक दिनचर्या हमारी रही है। तो तब कहीं जाकर के फिर इतना उन्नत चरित्र होता है। तो एक बार हम प्रातःकालीन मंत्रों का उच्चारण भी कर लेते हैं, आप मेरे साथ साथ ही कर लीजिए। ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातस्सोममुतरुद्रं हुवेम
प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षित्याह भगप्रणीतर्भगसत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्नः भगप्रणो जनयगोभिरश्वैर्भगप्रनृभिर्नृवन्तस्याम उतेदानीं भगवन्तस्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदितामघवन्सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम भग एव भगवांस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति सेनो भगपुर एता भवेह ओम शांति 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 ही। तो सुबह उठते ही, और मैं तो कहूंगी कि बिस्तर छोड़ने से पहले ही, बैठे बैठे ही इन मंत्रों का उच्चारण करके फिर अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, और उच्चारण के साथ साथ उसके अर्थ की भी भावना करनी चाहिए। और आप तो अर्थ साथ साथ पढ़ रहे हैं, कम से कम उसके भावार्थ को ही अपने ध्यान में लेकर के आ जाएं जब सुबह उठते हैं। तो सुबह सुबह अपने चेतना की फ्रीक्वेंसी को एक डिवाइन मोड पर सेट करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें, एक गुरु चेतना के साथ, भगवत चेतना के साथ, दिव्य चेतना के साथ, ऋषि चेतना के साथ अपनी चेतना को जोड़ते हुए दिन की शुरुआत करें। इन मंत्रों का सारांश हिंदी में, जिनको संस्कृत के मंत्र याद ना हो तो फिर हिंदी में भी आप उसको बोल सकते हैं। व्रत पति व्रत के भंडारी प्रातः काल में पुत्री तुम्हारी तव चरणन में सिर देती हूँ सुंदर समय पे व्रत लेती हूँ दिन भर मैं ना पाप करूँगी प्रातः सायं जाप करूँगी सब अंगों को वश में करके सतमार्ग में सदा विचर के कर्म में वेदानुसार करूंगी शुभ कर्मों से प्यार करूंगी धर्म पूर्वक करूंगी गुजारा केवल तेरा रहे सहारा
जब जब बुद्धि को मार्ग में जावे, जब जब मन में पाप समाए, तब तब दया अपार दिखाओ, शुभ मार्ग में प्रभु चलाओ। शुभ कर्मों में रहे मेरा जीवन, तन मन सब तुझे कर दूं अर्पण। भगवन् नमस्ते नमस्ते नमस्ते, अस्माकं रक्षा भवताम हस्ते, भवताम हस्ते, भवताम हस्ते। ऐसे हिंदी में भी आप प्रार्थना कर सकते हैं और संस्कृत में, जैसे पिछले दो मंत्रों में बताया था, प्रातः अग्निम, उस अग्नि का आह्वान करते हैं, इंद्र का आह्वान करते हैं। प्रातः अग्निम हवामहे, प्रातः इंद्रम हवामहे, प्रातः मित्रा वरुणा, मित्र और वरुण शक्ति का आह्वान करते हैं, प्रातः अश्विना, जो देवों के भी वैद्य हैं, ऐसे वो तो सबके वैद्य हैं। तो हमारी तो तन मन की कोई छोटी सी बीमारी है, वो तो एक संकल्प मात्र से भी वो दूर कर सकते हैं, उस अश्विना शक्ति का आह्वान करते हैं। और ऐसे चमत्कार होते हैं, केवल प्रार्थना से भी रोग ठीक होते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति की सच्ची श्रद्धा होती है तो उसको लगता है कि वो तो सब रोगों की एक दवा है, तो अब मैं उसकी शरण में जाता हूं और वो ठीक हो जाते हैं, ऐसी श्रद्धा करके भी। प्रातर भगम पूषणम, इन मंत्रों में भग का जिक्र बहुत बार आया है, भग शब्द का बार बार यहां पर उच्चारण किया गया है। भग का मतलब है ऐश्वर्य। तो हम दरिद्रता के पुजारी नहीं रहे कभी भी, वेद स्वयं इस बात का प्रमाण है, हम अभ्युदय और निश्रेष के पुजारी रहे हैं। सब प्रकार के ऐश्वर्य उसको भग कहते हैं, भग धातु जिसका अर्थ संस्कृत में है ऐश्वर्य, भग ऐश्वर्य। प्रातर भगम, प्रातः काल ही हम सब प्रकार के ऐश्वर्यों का आह्वान करते हैं, क्योंकि व्यक्ति के पास ऐश्वर्य होगा तभी तो वो बांटेगा दूसरे को। और स्वयं भगवान शब्द भी भग धातु से बनता है, तो ऐश्वर्य होना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा हमारे को कुछ चालाक धूर्त लोगों ने सिखा दिया और हमारी मेंटिलिटी ऐसी बना दी कि दरिद्र होने का मतलब है स्पिरिचुअल होना और धनवान होने का मतलब है आध्यात्मिकता से कहीं दूर जाना। ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा यदि होता तो फिर तो भगवान ही सारी आध्यात्मिकता से सबसे दूर माने जाते, क्योंकि सारा ऐश्वर्य तो भगवान के पास है। तो यहां पर तो हर मंत्र में लगभग भग शब्द का उच्चारण आ जाता है। तो हमें देखो, ऐश्वर्य कई प्रकार का होता है। जब हम यज्ञ करते हैं तो भी हम आचमन करते समय बोलते हैं सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री ही श्रयताम। सत्यम, सत्य हमारे अंदर ठहरे, आश्रय पाए। सत्यम यशः, हमारा यश सब जगह फैले, अपयश ना फैले, यश फैले। हम ऐसे कर्म करें, ऐसी उन्नत हमारा जीवन हो कि हमारा सुयश फैले। सत्यम यशः श्रीहि, श्रीहि का मतलब है वहां पर ऐश्वर्य, और फिर दोबारा श्रीहि। सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीहि श्रयताम। तो एक श्री का मतलब है भौतिक ऐश्वर्य और दूसरी श्री का मतलब है आध्यात्मिक ऐश्वर्य। तो दोनों प्रकार के ऐश्वर्य श्रीर्मयी श्री ही श्रयताम, आश्रय पावे, दोनों प्रकार का ऐश्वर्य मेरे अंदर हो।